और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को आज किसी भी समय यहां पर बाहर निकाला जा सकता है। बताया जा रहा है कि 12 मीटर की ही अब ड्रिलिंग जो है वो बची है। सुरंग के अंदर यहां पर जो है मजदूर जो फंसे हुए थे वो अब ठीक है, लेकिन सुरंग के बाहर मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई है। टनल साइट पर डीएम के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। टनल में झारखंड के 15 और बिहार के रहने वाले 5 मजदूर भी शामिल हैं, जिनके परिवार आज उनके बाहर निकलने के लिए पलके बिछाए हुए हैं। जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनमें मुजफ्फरपुर के दीपक है, सबा अहमद भोजपुर और वीरेंद्र किस्कू बांका जिले के रहने वाले। 2 मजदूर सुशील कुमार और सोनू शाह ये भी बिहार के रहने वाले, हालांकि इनके जिले का नाम अभी तक पता नहीं चल सका। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यहां पर कभी भी किसी भी वक्त ये टनल से सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने, रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन और आज बाहर आ जाएंगे यहां जो 41 मजदूर फंसे हुए थे। सुबह थोड़ी मशीन में दिक्कत आई, ऑगर मशीन में, क्योंकि वो ड्रिलिंग के समय वो अचानक से रुक गए। फिलहाल टेक्नीशियंस को बुलाकर वो ठीक करवा दी गई थी। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को आज किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है। 12 मीटर की महज ड्रिलिंग बची है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह केंद्रीय मंत्री जनरल बी के सिंह भी थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौके पर ही पहुंच गए। तो उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों को जायजा ले रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तरकाशी पहुंचकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। वही उत्तरकाशी हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहां पर बयान दिया और उस बयान पर सियासत तेज हो गई। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ऊपर कई इल्जाम लगाए, केंद्र सरकार पर मुद्दे पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाने के आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के अप्रोच पर सवाल उठाते हुए मजदूरों के प्रति संवेदनहीन होने की बात कही। जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन किया, वहीं बीजेपी ने सीएम के बयान पर बड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड से उत्तरकाशी पहुंचे अधिकारियों पर भी मौज मस्ती करने के आरोप लगा दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे को लेकर केंद्र सरकार के अप्रोच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों को लेकर संवेदनशील नहीं है, उत्तराखंड में पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी झारखंड के मजदूरों को जान गंवानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसी परियोजना को शुरू करने से पहले सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये जरूरी होता है कि लोग घटना घटे तो उसके लिए हम तुरंत कैसे उसका समाधान निकाल पाए, तो ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की, वो बहुत अच्छा नहीं। बहुत दुखी हैं कि हमारे लोग जो रोजगार की तलाश में गए थे आज उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई, और उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि केंद्र की सरकार विभिन्न मामलों में अपनी पीठ खुद थपथपाती है, विश्वगुरु अपने मुंह से बोलती है, लेकिन आज उनकी कलाई पूरी तरह से खुल चुकी है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई तत्परता नहीं है। आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय को वहाँ पहुँचना चाहिए था, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सभी समारोह हो रहे हैं,
नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो यहाँ से दो दो टीम भेजा और रात दिन उनके स्तर से जो हो सकता है, सरकार के स्तर से जो हो सकता है वो किया जा रहा है। मुखिया साहब जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनका सारा ध्यान सिर्फ कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरने में रहता है। जहाँ इतना दुनिया में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और जो विश्व गुरु और ये बनने का भाजपा दावा करते हैं, हमारा ये मानना है कि अगर पूरी तत्परता से और सही तरीके से लगा जाता तो हमारे मजदूर अभी तक घर पहुँच चुके होते हैं। और जो समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा, घर वाली इस तरह से चिंतित है और खाना पीना बंद है, आप समझिए कि किसी के घर का कोई व्यक्ति कहीं टनल में फंसा हो, 10 दिन 12 दिन हो जाए तो घर वालों की क्या स्थिति होगी। तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं तत्परता दिखा कर और सही तरीके से काम होता तो मजदूर अभी तक घर वापस आ चुके होते, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम संवेदनहीन हैं और वो संवेदनशील हैं। आखिर भाई उन्होंने तुरंत जो झारखंड की टीम थी वो रवाना की तो संवेदनशीलता को दिखाता है, पर वो ये दूसरा पार्ट नहीं बता रहे हैं कि वो टीम जाकर होटलों में टिकी और जो ग्राउंड जीरो है वहाँ जाने की इन्होंने जहमत नहीं उठाई। और दूसरी ओर हमारी उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार और इवन विदेशों से हम लोगों ने मदद लेकर लगातार टनल को छेदने के जितने उपाय हैं, जब भी कोई अड़चने आती हैं तो उसका तोड़ निकाल कर लगातार कर रहे हैं। हाँ तो मुख्यमंत्री जी शायद आपके डेफिनेशन में हम संवेदनहीन हो सकते हैं, और संवेदनशील तो आपके वो अधिकारी हैं जो होटलों में बैठकर मजे ले रहे हैं।